हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खाना की क्लास। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एंड मैग्नेटिक फोर्स में सोर्सेस एंड फील्ड पूरा टॉपिक कवर करते हैं। सोर्सेस एंड सिंपल सी बात है, जब भी जो है कोई भी करंट जो है फ्लो कर रही है तो उसके अंदर क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है जो है, है ना। और नॉर्मल पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रही है। तो सोर्सेस एंड फील्ड क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, मेन सोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड आर मेन और परमानेंट मैग्नेट करंट कैरिंग में करंट कैरी करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रो कंडक्टर समझ लेना, कोई वायर है, कोई वायर लगा है कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बात हो रही है। दोनों जो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, दोनों क्या है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है ना। सोर्स एंड फील्ड क्या है, मेन सोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड आर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। और मैग्नेट और भी कुछ लिख लेते हैं, और मैग्नेट क्या है मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेनेवर द चार्ज इन मोशन मोशन, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और भी लिख लेते हैं जो ए बी सी डी करके लिख लीजिए ना, जैसे एरो बना करके सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर ये बेसिक है जो है स्ट्रेट वायर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं फील्ड ऑफ आर लूप फील्ड ऑफ आर यूनाइट, और चौथा लिख लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दो ठीक है, तीसरा सीन मैग्नेटिक फील्ड के ये सब सोर्सेस, ठीक है, तीन ठीक है। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या एक एग्जाम्पल हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ट्रेन ट्रैक हो जाएगा,
कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये बता दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक एक्ट, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। मैं दूसरे पेंसिल दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लिया, एग्जाम्पल भी लिख लिया, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स भी लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन that arise between electrically charged particle due to the motion, electrically charged particle इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाएगा, नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्सेस लिख लेते हैं, जो सोर्सेस ऑफ सोर्सेस को लिख लिया ना, SI यूनिट लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, वन टेस्ला इक्वल टू लिख लेते हैं, वन टेस्ला इक्वल टू वन WB पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, इट इज डिनोटेड बाई बाई बी मैग्नेटिक फील्ड इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज द मेजर मेजर ऑफ लिखेंगे। इसके बाद लिख लेते हैं हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जो है,
आपने एक्सपेरिमेंट किया था इसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। हांस क्रिश्चियन मास्टर ये केमिस्ट प्रोफेसर कंपास नीडल near a wire, near a wire, carry an electric current, This discovery gave this discovery. Magnetic phenomena, electric and magnetic phenomena. ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का और स्ट्रिक्ट इसने लिया था ही, इसने ऑब्जर्व किया था कि कंपास को निडल लिया जो है तो वायर के पास ले जाने पर सफर और डिफ्लेक्शन when a place near a wire carrying an electric current. This discovery gave the first connection between electric and magnetic phenomena. तो ये उसने बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था फॉरेस्टेड ने, नोट कर लीजिए। इसमें दो पॉइंट और नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट क्या करना है। पहला पॉइंट करंट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, लिख लेते हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इमर्ज आउट ऑफ द प्लेन, डॉट दिखाएंगे गोइंग इन टू द प्लेन है ना, आउट ऑफ द प्लेन ये दिखाया जाएगा, गोइंग इन टू द प्लेन by
कलर से मैं करता हूँ उसको। करंट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन तो इससे दिखाया जाएगा डॉट से, गोइंग इन टू द प्लेन इससे दिखाया जाएगा क्रॉस से। समझ आ रहा है? स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पहला आता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। जो है तो स्क्रू कैसे बनता है बता रहे हैं, इस तरीके का होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना? ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, राइट हैंड और रूल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू इसको होता है। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू इस ये लिखा हुआ उसी को लिख देना है। अंदर डायरेक्शन ऑफ
करने के लिए सब ये चीज होगी, ये चीज नहीं ली तो वो नक्सली वर्क्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स राइट हैंड रूल में क्या हो जाएगा राइट हैंड रूल देखो ऐसे समझो राइट फिंगर जो है फिंगर क्या बता रहा फिंगर बारे में थोड़ा लिख लेते हैं दूसरे कलर डेट से लिखते हैं डी बनाकर स्मार्ट बोर्ड पर समझो तो ए सी है उसी में सब बोर्ड और मार्कर पीछे बगीचा है उसे डी बना रहा हूँ तो उसे कर रहा हूँ इफ यू होल्ड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर
डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, अंगूठा क्या बता रहा है ना, थंब पॉइंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करेंट, और फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे जी फिंगर क्या होता है, फिंगर मैग्नेटिक फोर्स, इतना नोट कर लेते, ठीक है ना, नोट हो गया। कंसीडर अ चार्ज क्यू, कंसीडर चार्ज charge. मैग्नेटिक या फॉर फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज वी इनटू बी लिख लेते हैं, ठीक है ना। वी क्या है, मूविंग चार्ज, मूविंग तो वेलोसिटी वी, एंड मैग्नेटिक फील्ड वी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद लिख लेंगे मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है उसके बाद लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा का एंगल बन जाएगा ठीक है ना। इसके लिए छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ ये थीटा एंगल हो गया और बना थोड़ा बना दो और ये बी बी क्या था मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज ठीक है और ये करंट का डायरेक्शन इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम is perpendicular to the plane ठीक है containing v vector and b vector given by a right hand thumb rule ठीक है ना given by लिखते हैं आप by right hand thumb rule ठीक है के बाद लिखेंगे लॉरेंट फोर्स याद कर लीजिए नोट हो गया उसके बाद लिखेंगे लॉरेंट फोर्स charge particle having when a charge particle having charge Q moves in a region
बी एग्जिस्ट एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस नेट फोर्स फोर्स कॉल्ड लॉरेंट फोर्स ठीक है ना लॉरेंट फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स F is equal to Lorentz force F vector is equal to electric force को F E लिख देंगे magnetic force को F M लिख देंगे ठीक है we know that F equal to होता है charge Q P ठीक है plus F M equal to Q V vector into B vector होता है The Earth magnetic field is about the Earth. Earth magnetic field is about 3.6 into 10 to the power minus 5. Three into 6 10 to the power minus 5 T. Horizontal component of our magnetic field at place. ठीक है वेयर द डीप इज 60 डिग्री फाइंड द मैग्नेट चलिए इसके बाद लिख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर current सपोज ये क्या हो गया फील्ड लाइन ठीक है ना क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये वायर का लेंथ एल जो है इधर बताओ
पास। एक एका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते उसके बाद पता चलता है। मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर लिखते हैं इसके बारे में। कंसीडर अ रॉड ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंसीडर अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस density of mobile charge carrier while charge carrier in it be mobile charge फिगर दिया हुआ है। फिगर ठीक है ना। ये क्या है प्रोसेस में लग रही है ऑफ रॉड एरिया प्रोसेस में। ठीक है तो लिख दिया गया ये रॉड है एंड लेंथ total number of charge total number of charge carried I equal to होता है I equal to steady current in the rod in the rod ले सकते हैं कि F equal to क्या होता है vector is equal to N A L Q VD क्या है करंट डेंसिटी VD करंट डेंसिटी ठीक है ना। यहाँ इसको बता सकते हैं कि ये आई वेक्टर के बराबर है
between left and right. नोट करिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल्स विच स्टेट दैट इफ यू स्ट्रेच फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी लिख सकते हैं कि मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल Yeah.
पॉइंट नहीं आ रहा है। पहला पॉइंट मेरा, मैंने चार्ज पार्टिकल मूव ऑफ मूव एट राइट एंगल, चार्ज पार्टिकल कंसीडर और
पाँच नो उधर जाओ मत अगो नीचे उतरो भाग जाओ मानने लगेंगे मत हिला उधर जाओ वहां खेलो वहां पर जाके नहीं ड्राइव होगा आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ रेडियस ऑफ ये सर्कुलर पाथ की बात की जा रही है आर आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट में क्या था व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव एट अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड टीचर बनोगे हैं बताओ क्या बनोगे बड़े होकर के टू अंजा बताओ क्या होता है टू अंजा की टू टू जा फोर टू थ्री जा की टू फोर जा एट टू फाइव जा शुरू सुनाओ टूवंजा टूवंजा क्या होता है टूवंजा टू 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 जा टू थ्री जा टू थ्री जा टू फोर जा एट उधर जाओ भागो भागो हिल रहा है ना भागो जाओ देखो ठीक है
चुप रहो। मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव एट एन एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फिगर बना देते हैं।
नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पिच तक लिख लिया था। अभी वेलोसिटी
फेज सेपरेटर। एक्स्ट्रा हो गया ठीक है ना, इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट लूप। You can wait.